गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष पटेल ज्ञानदानी में आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग कैसे हैं? ठीक, अच्छे से रहिए। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से ही होंगे। ठीक, अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए मैं टॉपिक का शुरुआत करता हूं। टॉपिक आपका जो चल रहा था रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट के विषय में मैंने कुछ टॉपिक कल क्लियर किया था और उसी के आगे हम थोड़ा सा टॉपिक को बढ़ाएंगे। टॉपिक आपके लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, सभी का सॉल्व हो गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक, चलिए अब उसी टॉपिक के जो अगला टाइप में आता है क्वेश्चन, और पहले टाइप देख लीजिए। टाइप क्या होता है? पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना, कम से कम संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना। ठीक, ये आपका टाइप है, हेडिंग बना लीजिए सभी लोग। अब देखिएगा इसके अंतर्गत क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कुछ व्यक्तियों की संख्या दी गई होगी, जिसमें से किसी का स्थान क्लियर करेगा और बोलेगा बीच में इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो बताइए पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक, यही आपका है, इसी टाइप से हमें पढ़ना है इस क्वेश्चन में। तो आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एक आज स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, यदि इन दोनों के बीच चार लड़कियाँ हों तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियाँ हैं। ठीक, अगर आपसे कम से कम वाला क्वेश्चन पूछे, ठीक, तो मैं आपको एक फार्मूला अप्लाई करा देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आपको एक बार में निकल जाएगा, आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी होगी, ठीक, तो इसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, देखिएगा, टोटल नंबर यानी कुल संख्या, कुल संख्या या कम से कम संख्या, ठीक, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बराबर में आप लोग संख्या में क्या लिखोगे, दोनों व्यक्तियों की स्थिति का योग, दोनों व्यक्तियों के स्थिति का योग, स्थिति का योग। ठीक, इतना होगा, यानी जो आपका दाएं से दिया होगा या बाएं से, दोनों व्यक्तियों का हम क्या करेंगे, जिस स्थान पर होगा उसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक ना, इसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे दोनों के बीच व्यक्तियों की संख्या, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों के बीच, दोनों के बीच व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ठीक, ये होगा, और इसके साथ में कितने व्यक्ति हैं, प्लस दोनों व्यक्ति, प्लस दोनों व्यक्ति। ठीक, ये आपका फार्मूला है। फार्मूले में क्या होगा, टोटल नंबर यानी कम से कम संख्या, दोनों व्यक्तियों की स्थिति का योग। दोनों व्यक्तियों की स्थिति का योग का मतलब समझ रहे हो, जैसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन में जो कहा है, मधु बाएं से इतना है, दाएं से इतना है, है ना, रीता दाएं से इतना है, तो उन दोनों के स्थिति का योग करेंगे, और उनके बीच में बोला है कि इतने बच्चे बैठे हैं और प्लस कितने लोग उस क्वेश्चन में शामिल हैं, उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, तो एक का हो गया 15वां और दूसरे का कितना है, 18वां, यानी 18 नंबर पे है। ठीक, माइनस करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट, फिर दोनों व्यक्तियों के बीच, दोनों व्यक्तियों के बीच कितने हैं, चार है ना, और उसके बाद फिर प्लस कौन कौन, एक रीता और एक क्या, मधु, कितने हैं टोटल, दो। इतना क्लियर सभी को? चलिए, तो 15 और 18 कितना, 18 5 23, 23 10 33, 33 माइनस में कितना, 6। ठीक, अब इसी को घटा दो, टोटल कितना आ गया, 27, यानी कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 27।
क्लियर है सभी को? चलिए इसको हम डायग्राम से भी बता देते हैं, डायग्राम से कैसे होगा। ठीक, ये बातें समझ में आ गई सभी को? ठीक, चलिए डायग्राम देख लीजिएगा। क्या कह रहा है, एक पंक्ति में रीता बाएं से, अगर हम यहाँ पे एक ऐसी रेखा बता दें, है ना, अब रेखा में कौन सा बायां होता है कौन सा दायां होता है, यानी ये आपका राइट हैंड होगा, राइट हैंड। ठीक, और इधर वाला पार्ट क्या होगा, लेफ्ट हैंड। क्लियर है सभी को इतना? यानी ये बायां होगा और ये आपका क्या होगा, दायां होगा। ठीक, अब देखते हैं क्या कह रहा है, रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, तो यहाँ से हम खींचते हैं, यहाँ पे कौन आ गया, रीता कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। क्लियर है? फिर कह रहा है इनके बीच में कितने लड़कियाँ हैं, चार, तो यहाँ पे चार लड़कियों को बैठा दो, एक दो तीन और कितना, चार। ठीक, इसके बाद फिर कह रहा है मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, दाएं से कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। ठीक, तो दाएं से 18वें स्थान पे आएगा ऐसे इधर। क्लियर है इतना? फिर साथ में क्या करेगा, चार व्यक्तियों को हटाएंगे तो इसका मतलब ये किधर कितने पे आ जाएगा, 13वें पे आ जाएगा। ठीक, और इधर से हम यहाँ पे लिखेंगे कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर। अब दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी मिल गई, चार। ठीक, तो 15, ठीक ना, 15 प्लस 13, ठीक, इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, यानी 15 प्लस 13 माइनस में कितना, 1, यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल नंबर यहाँ से मिलेगा। ठीक, तो 15 और 13 कितना, 28, 28 में से एक घटा दो कितना आ गया आपका, 27, वहाँ से भी आपका 27 मिल रहा था और यहाँ से भी आपका 27 मिलेगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है, ए तथा बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक, 15 और 20 दोनों का योग करो, 15 प्लस 20 ये आपका एक ब्रैकेट में होगा, फिर दोनों व्यक्तियों के बीच की संख्या कितनी है, 8 है, प्लस कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। ठीक, तो 15 20 कितना, 35, माइनस में 8 और 2 कितना, 10, घटा दो कितना आ गया, 25, तो कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 25। समझ में आया भाई सभी को? चलिए अब इससे संबंधित कम से कम वाले संख्या पर एक क्वेश्चन आता है यहाँ से आरआरबी एनटीपीसी में, है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, तो इसको आप लोग एकदम कंफर्म कर लीजिए। ठीक, चलिए अब इस टाइप पे आप लोग और ढेर सारे क्वेश्चन लगा लेना, जो भी दिक्कत होगा क्वेश्चन को सेंड कर देना, ठीक है। चलिए अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, यहीं पर टॉपिक का नाम है आपका, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं, एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं, ठीक, ये आपका हेडिंग है। अब इसके अंतर्गत में क्या होता है, एक पंक्ति में कुछ बच्चे होंगे, ठीक, या कुछ महिलाएं होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे, जो भी हो, जो भी क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ स्थान दिया जाएगा कि बाएं से इनका स्थान इतना है, दाएं से इनका स्थान इतना है, और आपस में क्या करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, ठीक ना, यानी पहले वाला दूसरे के स्थान पर चला जाता है और दूसरे वाला पहले के स्थान पर चला जाता है। ठीक,
इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से दसवें स्थान पर है, यानी राइट हैंड से कितने पर है, दसवें पर, तथा सोहन बाएं से कितने स्थान पर है, लेफ्ट हैंड से 25। ठीक, जब मोहन और सोहन आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो मोहन दाएं से बैसवें स्थान पर हो जाता है, तो बताइए कि सोहन बाएं से किस स्थिति में होगी या कौन सी स्थिति में होगा। ठीक है, चलिए ठीक लगा लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं इसको, अब ध्यान दीजिएगा, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से किस स्थान पर है, तो दाएं से मतलब यहां से लिया जाएगा, किस स्थान पर है, दसवें स्थान पर है। ठीक, ये आपका रहा दायां। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है, ये सोहन है, बाएं से किस स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। क्लियर है इतना, 25वें स्थान पर है। फिर अब क्या कह रहा है, दोनों लोग अपना स्थान परिवर्तन कर ले, ये आपका भाई मोहन है। ठीक, अब मोहन के स्थान पर कौन आ गया, सोहन आ गया, और सोहन के स्थान पर कौन आ गया, मोहन आ गया। ठीक, जैसे ही स्थान परिवर्तन करते हैं तुरंत ये देखा जाता है कि मोहन दाएं से किस स्थान पर आ गया, बैसवें स्थान पर। मोहन दाएं से किस स्थान पर आ गया, बैसवें स्थान पर आ गया। ठीक, इतना क्लियर सभी को। अब बताइए, जब ये बैसवें स्थान पर आ गया, पहले ये 10 स्थान पे था, बाद में 22वें स्थान पर आया, तो कितने का अंतर आया, 12 स्थान का अंतर आ गया। ठीक, 12 स्थान का अंतर आया। अब ये 12 स्थान जो पहले स्टार्टिंग से 25 था, बाद में कितना हुआ, 12, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक, तो 25 प्लस 12 टोटल मिला के कितना हो गया, 37। ये जो 37 है, ठीक, ये 37 किसका स्थान बता रहा है, सोहन का, किसका बता रहा है, सोहन का, क्योंकि देखो सोहन कहाँ चला गया, इधर चला गया था ना, अब मोहन का स्थान सोहन लिया, सोहन का स्थान कौन लिया, मोहन। ठीक, तो सोहन का पूछ रहा था, तो इधर से कितना स्थान, 12 ये कवर किया और इधर से 25 ये कवर किया, दोनों मिलाकर के कितना कवर किया, 37 स्थान इन्होंने क्या कर लिया, कवर कर लिया। बात समझ में आई सभी को, चलिए ठीक है। हो गया सभी का क्वेश्चन हल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप में रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है, जब कमल तथा श्याम आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। ठीक, तो बताइए कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कमल की बात किया है, एक साइड में कमल हो गया, दूसरे साइड में आपका क्या कह रहा है, श्याम है, क्यों कौन है, यहाँ पे श्याम है। ठीक, अब इस क्वेश्चन का हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसको हम डाइट क्या सॉल्व करते हैं, देखिए श्याम का जो स्थान दे रखा है, ठीक, और कमल का जो स्थान दे रखा है, उसी दोनों स्थान से हम क्या करेंगे, मैचिंग कराएंगे। बात समझ रहे हो ना, अब दोनों को मैचिंग कराओ, देखो भाई क्या आ रहा है,
जैसे उन्होंने 25 लिया और इन्होंने कितना लिया, 18 लिया, यानी श्याम दाएं से 18वें, कमल बाएं से 25वें स्थान पर है, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो ना, टोटल नंबर बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, तो एक साइड से 25, दूसरे से कितना 18, माइनस कितना वन, ठीक। यहाँ से डायरेक्ट, अब देखिएगा यहाँ पे कितना 25, यहाँ पे कितना माइनस वन, यहाँ पे प्लस 18, ये हो गया 24, 24 10 कितना 34, 34 8 42, यानी टोटल संख्या आपका यहाँ से कितना मिल गया 42, यानी पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 42। बात समझ में आई, ठीक, इतना क्लियर है सभी को। अब स्थान परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन आप लोग कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा स्वयं से, ठीक है। चलिए आज भी इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका चैप्टर जो शुरू होगा वो कैलेंडर शुरू करेंगे, ठीक ना, कैलेंडर। बढ़िया है क्वेश्चन, ये यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, और ये जो कैलेंडर टॉपिक है आपका, कैलेंडर टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रखता है, ठीक है। चलिए तो आज हम इसको एंड करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट टाइप का और लास्ट टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें इस टाइप में क्या होता है, देखिएगा किसी व्यक्ति की किसी स्थान से बाएं या दाएं खिसकने पर उसकी पूर्व स्थिति ज्ञात करना, ठीक, यानी पूर्व स्थिति ज्ञात करना टॉपिक का नाम है आपका, पूर्व स्थिति ज्ञात करना, बहुत ही सरल टाइप का क्वेश्चन होता है ये, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से 6ठा हो गया, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, चलिए सॉल्व कर लीजिए आप लोग। हो गया सभी का, चलिए अब देखिएगा पहले क्वेश्चन का आप लोग प्रोसीजर सुन लीजिए। इस क्वेश्चन में प्रोसीजर कैसे लगेगा, प्रोसीजर आपका होता है टोटल व्यक्तियों की संख्या दे रखा है। अब हम यहाँ पे ये सोचेंगे, कह रहा है रवि जब 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो बाएं सिरे से 6ठा स्थान पर हो गया, तो जब 3 स्थान खिसका है तो इसका मतलब 6ठे पे जब पहुँचा तो पहले उसका स्थिति क्या रहा होगा, 9वें स्थान पर रहा होगा, बोलो बाएं से किस स्थान पर रहा होगा, 9वें स्थान पर, बस यही आपको पकड़ना है। तुरंत जैसे ये पकड़ में आ गया, टोटल नंबर बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस कितना 1, ठीक। अब देखिएगा इसमें आपको एक स्थान दे रखा है, बायां वाला दे रखा है, दायां वाला पूछा है ना, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी 17, ठीक। उसके बाद राइट आपसे पूछा है, राइट पूछा है, लेफ्ट आपका दे रखा कितना 9 माइनस कितना 1, तो टोटल यहाँ पे 17 बराबर कितना r, इसमें घटाओ कितना आ जाएगा 8, अब 8 इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा टोटल आपका 9, ठीक। इसका मतलब क्या है, राइट हैंड से किस स्थान पर था वो 9वें स्थान पर है, क्लियर है सभी को। बस इसमें आपको एक ही चीज़ पकड़ना है भाई, है ना, पकड़ना सिर्फ आपको इतना है कि जैसे क्वेश्चन कहा कि 17 व्यक्तियों की पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो उसका स्थान बाएं से 6ठा हो गया, 3 स्थान खिसकने का मतलब क्या हुआ, वह 3 स्थान पीछे रहा होगा, तो 6 स्थान जब पहुंचा, 6 उधर और 3 इधर, टोटल कितना आपका आ गया 9, यानी बाएं सिरे से उसका जो स्थान निकल के आया था वह कितना रहा होगा 9वां स्थान रहा होगा, ठीक। और उसके बाद आपका टोटल नंबर दे रखा है 17, तो अप्लाई करा दो, टोटल नंबर बराबर क्या
राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।